गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा, जी बिजनेस के एक्सपर्ट संदीप जैन ने एक शेयर को रिकमेंड किया है, बोला है कि ये शेयर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैवियट कंपनी के बारे में और जानेंगे वो सभी इम्पोर्टेंट रेशोस ताकि हम अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें। अगर आपको भी ऐसी इन्वेस्टिंग करनी है जिसमें आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएं, तो डेफिनेटली आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए और इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना ताकि आपको ये विश्वास हो सके कि फंडामेंटल एनालिसिस में कितना दम होता है। जी हाँ दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे इस कंपनी के बारे में, यानी कि चैवियट कंपनी के बारे में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि भाई 2 या 3 साल के अंदर कंपनी कितना ग्रो करने वाली है और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो सभी एवरग्रीन होती हैं, यानी कि सभी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये वीडियो आप कभी भी देखोगे आपको उतना ही लाभ मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा कि भाई वास्तव में कंपनी करती क्या है। चैवियट कंपनी लिमिटेड, या हम बोले चैवियट कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सेल करती है जूट्स और गुड्स के ऊपर काम करती है, चाहे वो लेदर प्रोडक्ट हो, जूट प्रोडक्ट हो और टी को लेकर भी काफ़ी अच्छा बिजनेस ये करती है। इंडिया के अंदर और इंटरनेशनली इसके जो धागे हैं, जूट के धागे हैं, जूट के प्रोडक्ट्स हैं, लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे चलते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं ज़्यादातर जूट शॉपिंग बैग हो गए, जूट यान हो गया यानी कि जूट का धागा हो गया, हैसियन क्लोथ्स हो गए, बैग्स हो गए, सेकिंग बैग्स हो गए, डेकोरेटिव फाइबर्स हो गए, इसी तरह के प्रोडक्ट्स ये बनाती है और लेदर के केस में भी ये यही है। और इसका जो टी का बिजनेस है, टी का कारोबारी भी काफ़ी सही चल रहा है। ये कंपनी नेशनली और इंटरनेशनली काफ़ी सही से एक्सपेंड कर रही है धीरे धीरे। फिलहाल अभी और भी रेशोस को देखेंगे, ये एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था। हालांकि ये कंपनी फाउंड हुई थी 1897 के अंदर, इसका जो हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में देखने को मिल जाएगा और ये कंपनी सब्सिडरी है हर्ष इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड की। तो गाइस ये तो हो गई इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन जानना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें ये पता लग सके कि भाई हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कि उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो काम क्या करती है और क्या जो प्रोडक्ट वो बनाती है वो भी आने वाले टाइम में उनकी कोई वैल्यू है या फिर नहीं है। तो इससे हमें ये पता चला। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट रेशोस को लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज इसके मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर, ये सभी जानने की कोशिश करेंगे। गाइज अभी आज के टाइम में इस कंपनी का जो शेयर है वो 800 रुपये का चल रहा है और जो कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ है, यानी कि कंपनी एक स्मॉल कैप पे आती है और बहुत स्मॉल कैप कंपनी होने की वजह से इस कंपनी के ऊपर रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है, यानी कि कंपनी ज़्यादा बड़ा क्राइसिस नहीं झेल सकती। कोई बड़ी बात आ जाती है जिसकी वजह से कंपनी ये लॉस नहीं झेल पाती तो डेफिनेटली कंपनी को बंद होना ही पड़ेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अभी और रेशोस देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि भाई कंपनी में वास्तव में एक वैल्यू है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं 0.63 करोड़ शेयर्स इसके अभी डाइल्यूट हैं। और चलिए और बात करते हैं फटाफट। सबसे पहले हम बात करेंगे पीई रेशो, आप देख सकते हैं पीई 9.37 है और पीई को कभी भी चेक करना हो तो उसके साथ ईपीएस आपको जरूर मैच कर लेना है और ईपीएस और पीई के अंदर आप देख सकते हैं काफी डिफरेंस आपको देखने को नजर आएगा जो कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइन की ओर ले जाता है। फेस ऑफ वैल्यू कंपनी की 10 रुपीज चल रही है आज के टाइम में, आप देख सकते हैं कंपनी का फेस ऑफ वैल्यू 10 चल रहा है। और जो सबसे जो सही लगा मुझे इस कंपनी का, देखो कभी कभार डिविडेंड सही भी होते हैं और कभी कभार डिविडेंड गलत भी होते हैं, बट इस कंपनी के हिसाब से देखें तो कंपनी डिविडेंड काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रही है, यानी कि 6% का डिविडेंड आपको मिल रहा है। कंपनी का जो प्रॉफिट होगा हर सालाना उसका 6% हिस्सा हर शेयर होल्डर को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी एक तरह से, जो लोग डिविडेंड के पीछे रहते हैं जिनको लगता है कि भाई जो डिविडेंड अच्छा देती है कंपनी
तो डेफिनेटली उनको इस कंपनी के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, डेफिनेटली उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक गाइस मेरे को ये पॉजिटिव साइन लगा डिविडेंड वालों के लिए, हालांकि कंपनी को ये पैसा अपनी ग्रोथ के लिए लगाना चाहिए, अपने एक्सपेंडेशन के लिए लगाना चाहिए, बट ये कंपनी इस पैसे को शेयर होल्डर्स के अंदर ही बांट देती है, जो कि लोगों को सही भी लगता है कुछ लोगों को, और कुछ परसेंट लोगों को ये गलत भी लगता है। वो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। अब हम बात करते हैं आगे बुक ऑफ वैल्यू की। गाइस मुझे ये काफ़ी एक्साइटेड लगा बुक ऑफ वैल्यू, आप देख सकते हैं 836 रुपये। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अगर आप आज ये 800 रुपये का शेयर खरीदते हैं और बाय चांस कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, बड़ा क्राइसिस नहीं झेल सकती है, तो रिस्क रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, बाय चांस ये कंपनी बंद हो जाती है तो आपको प्रॉफिट ही होने वाला है, वो भी 36 रुपीज़ का। 800 रुपीज़ की कंपनी है और 36 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा बाय चांस ये कंपनी बंद होगी, फिर भी मतलब फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे। कैश देख सकते हैं आप कंपनी के पास 21 करोड़ का कैश आज के टाइम में कंपनी के पास पड़ा है, और इसी के साथ जो डेबिट पड़ा हुआ है, यानी कि जो कर्ज कंपनी का है, जो कर्ज किसी से लिया हुआ कंपनी ने, वो 4 करोड़ का है। अगर 21 में से हम 4 भी माइनस कर देते हैं तो गाइस कहीं ना कहीं 16 करोड़ रुपए बचते हैं कंपनी के पास, जो उसके रिजर्व रहेंगे, बैंक में पड़े रहेंगे, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में ही रहेगी। और उसी के साथ आप एक और रेशो देख सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा लोग चेक करते हैं, वो है प्रमोटर होल्डिंग। आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग 74.97% है, यानी कि जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने काफी अच्छा इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रमोटर्स कौन होते हैं आपको पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूं, फिर भी आपको बता देता हूं, कुछ लोग नए हैं शायद उनको ना पता हो। प्रमोटर्स गाइस वो लोग होते हैं जो इस कंपनी के अंदर ही काम करते हैं, सीईओ, सीएफओ, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट जो इसके साथ टाई अप रहते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे लोग जो इस कंपनी के अंदर काफी विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, वही इसके प्रमोटर होल्डर कहलाते हैं। तो ये प्रमोटर होल्डर 74% हैं, और अभी और भी देखेंगे गाइस, सेल ग्रोथ की बात करें तो 16% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई हुई है। तो गाइस आप ये रेशो देख सकते हैं जिसके अंदर कैश साइकिल दिखा रखा है, 86 डेज का कैश साइकिल इसके अंदर दिखा रखा है, जो कि एक नेगेटिव साइन मैं इसको लेके चलूंगा। पैट मार्जिन आप देख सकते हैं, पैट मार्जिन गाइस आपको नजर आ रहा होगा 10%, बट पैट मार्जिन को देखने के लिए आपको आरओई भी देखना होगा, और आरओई भी आपको बिल्कुल सेम 10% ही आपको इधर नजर आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही मेरे को नजर आता है। दोनों की वैल्यूएशन सेम है। पैट मार्जिन यानी ये वो रुपए होता है जो एक महीने के अंदर कंपनी निकाल कर देती है, और जो आरओई होता है वो साल का निकाल कर देती है। तो अगर दोनों का लेवल सेम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं भाई कंपनी का कहीं भी पैसा इधर उधर नहीं जा रहा। उसके बाद नीचे करते हैं कुछ चार्ट के बारे में, जैसे प्राइस चार्ट आप देख सकते हैं, अपर मूवमेंट ही कंपनी ने देखने को मिला है। वैल्यूएशन चार्ट में एक बार गिरावट आई थी, बट आज के टाइम में फिर से ये अपर मूवमेंट पे जा रही है। कंपनी अपने कंपटीशन में जो कंपटीशन कर रही हैं और कंपनियां, उसमें कंपनी थोड़ा सा पीछे है, जैसे कि RSWM से कंपनी पीछे है, मोंटो कार्लो फैशन से भी कंपनी बहुत ज्यादा पीछे है, सेंचुरी एनका से भी कंपनी पीछे है, और सेंटबिल रिटेल से भी, उसी के साथ स्पोर्ट किंग इंडिया से भी कंपनी काफी पीछे है। बट ये चैविटो कंपनी आने वाले टाइम में ग्रो करने के चांसेस हैं। गाइस अभी और भी रिसोर्स चेक करेंगे, बट अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग है आपकी, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, आपको निराशा नहीं मिलेगी। और रेशोस देखेंगे और आपको काफी अच्छे अच्छे रेशोस अभी बताऊंगा, और इसी के साथ फ्यूचर प्रिडिक्शन भी करेंगे और पता लगाएंगे कि भाई कंपनी कितना ग्रो करने वाली है। बात करते हैं एक 5 साल की, तो आप देख सकते हैं 5 साल में कंपनी ने 11% की ग्रोथ दिखाई है। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने 5% की ग्रोथ दिखाई है, बट जो ये साल रहा कंपनी का, यानी कि जो पिछला साल चला गया 2020, उसके अंदर कंपनी ने 16% की ग्रोथ दिखाई। ये सोचने वाली बात है गाइस, कंपनी कितनी तेजी से ग्रो करी है 16% की सिर्फ 1 साल के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। सेल ग्रोथ अगर होती है कंपनी की तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट ग्रोथ भी निकल के सही आता है, प्रॉफिट के साथ आरओई और इसी के साथ जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको अच्छा रिटर्न मिलता है, इसलिए सेल ग्रोथ देखना काफी जरूरी हो जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर जो प्रमोटर
डायरेक्टर्स हैं उन्होंने 74% की इन्वेस्टमेंट ओनरशिप ली हुई है। और एक जो सबसे अच्छी बात है चौंकाने वाली, मार्च 2020 के अंदर भी जो प्रमोटर्स थे 74% थे, जून के अंदर भी, सितंबर के अंदर भी और मार्च 2021 के अंदर भी 74.97% प्रमोटर होल्डर हैं। इसी के साथ पब्लिक की भी बात करें तो 24% की होल्डिंग ले रखी है, यानी कि पब्लिक को भी विश्वास है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखो गाइस पब्लिक सोच समझ के लेती है। और उसी के साथ जो DII यानी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया हुआ है, 0.16% का ही इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर दिखाया हुआ है। इसके पीछे दो रीजंस होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं उनको अपने इन्वेस्टर्स को सही से रिटर्न देने होते हैं, तो हो सकता है कि उनको लगता है आने वाले टाइम कंपनी सही रिटर्न नहीं देगी, डूब सकती है, क्योंकि रिस्क फैक्टर ज्यादा है, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स वालों ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर नहीं दिखा रखी। क्योंकि जितने भी रिस्क फैक्टर जिनमें ज्यादा हो जाता है, आपको पता है 500 करोड़ की ही कंपनी है, कभी भी बंद हो सकती है, तो उसी हिसाब से ग्रोथ भी काफी तेजी से इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। तो जहां पर आप रिस्क लेने पर मजबूर हो जाएंगे वहां पर आपको प्रॉफिट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। बोलते हैं गाइस रिस्क है तो इश्क है, तो यही चीज आपको माइंड में, माइंडसेट में अगर आपके है कि मैं रिस्क लेने को तैयार हूं, तो डेफिनेटली ये कंपनी आपके लिए काफी वैल्यूबल साबित हो सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं, अब समय आ गया है कुछ और इंपॉर्टेंट रेशोस को जानने का। तो मैं सबसे पहले आपको आपके सामने रखूंगा वो है गाइस वैल्यूनेशन। जी हां दोस्तों, वैल्यूनेशन आप देख सकते हैं कंपनी अंडर वैल्यूड है, जो कि बहुत ज्यादा खुशखबरी वाली बात हम इसको बोल सकते हैं। 800 रुपए का जो प्राइस है कंपनी का वो होना नहीं चाहिए। एक्चुअल में जो कंपनी का प्राइस है वो 1034 है, यानी कि अगर 1034 तक शेयर चला जाता है जब भी आपको खरीद लेना चाहिए। फिलहाल अभी तो ये 800 रुपए का है, यानी कि अंडर वैल्यूड है, डेफिनेटली ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है आपको खरीद लेना चाहिए। अक्सर इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं अच्छी कंपनियां वो ओवर वैल्यूड ही रहेंगी, बट ये एक अच्छी कंपनी में हम बोल सकते हैं और अभी ये कंपनी गाइस अंडर वैल्यूड चल रही है, तो डेफिनेटली आपको इस कंपनी के बारे में सोचना चाहिए। चलिए अब फ्यूचर ग्रोथ की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो फ्यूचर ग्रोथ है कंपनी का काफ़ी कमाल का है, 50% की ग्रोथ दिखाने वाली है। हालांकि 50 नहीं लिखा, 43.3% की ग्रोथ दिखा रखी है, बट फिर भी हम मान के चलेंगे इस कंपनी के अंदर 40% की ग्रोथ कम से कम कंपनी डेफिनेटली दिखाने वाली है आने वाले 2 साल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ये पुराना डाटा उसको एनालाइज करके इस वेबसाइट के ऊपर डाला गया है, तो डेफिनेटली आपको ट्रस्ट करना चाहिए। और आप चाहें तो इस स्क्रीन को पॉज करके मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं ये मैंने इसको ऐसे प्ले कर दिया है, और आप चाहें तो इसको स्टॉप करके देख सकते हैं पूरा का पूरा। इसके अंदर सब कुछ दिखा रखा है कि भाई मार्च में रेवेन्यू कितना जनरेट किया है, अर्निंग कितनी की है 2019 में, 20 में, 21 में, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस की। पास्ट परफॉर्मेंस में भी कंपनी ने 5% की ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियली देख लेते हैं कंपनी कितनी हेल्थी है, तो आप देख सकते हैं गाइस कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं कंपनी के काफ़ी सही हैं, यानी कि 2000 करोड़ के एसेट्स हैं कंपनी के, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 250 करोड़ की ही लाइबिलिटीज नज़र आती है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं तो कंपनी के पास 4000 करोड़ के एसेट्स हैं। एसेट्स यानी कि कंपनी का खुद का पैसा, मशीनरी, बिल्डिंग, उन सबको टोटल कर लिया जाए तो 4000 करोड़ होता है। और जो कंपनी की लायबिलिटी यानी कि कर्ज, किसी से उधार लिया हुआ, बैंक में कोई लोन लिया हुआ, ये जो पैसा है वो सिर्फ गाइस 250 करोड़ ही है। तो कहीं ना कहीं कंपनी काफी सही फाइनेंशियली पोजीशन पे है और ये ग्रो करने के चांसेस में भी काफी सही है। डिविडेंड की तो बात हो गई गाइस, 6% का डिविडेंड देती है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस वो है आपके लिए कि भाई कौन लोग हैं जिन्होंने इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, यानी कि टॉप
टॉप शेयर होल्डर्स कंपनी के टॉप शेयर होल्डर्स कौन हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ष इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो इस कंपनी के ओनर हैं यानी कि चेयरमैन हैं और इसी के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं। इन्होंने खुद से इन्वेस्ट किया हुआ है, साथ आप देख सकते हैं मालतूनी कारुनिया ने भी 6% की ओनरशिप ली हुई है। अब मैं कुछ ऐसे जाने माने लोगों के नाम लूंगा जिनको शायद आप जानते होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया ने भी 0.017% की एक तरह से ओनरशिप ली हुई है। आदित्य बैनर्जी ने भी 0.0024% की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर ली हुई है। और भी बहुत सारे टॉप शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोडक्शन फंड लिमिटेड ने भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर दिखाया हुआ है। हालांकि स्क्रीन को पॉज करके आप सभी के नाम पढ़ सकते हैं और क्या पता आप कुछ लोगों के नाम जानते हैं, तो हो सकता है कि आपको ये विश्वास हो जाए कि भाई अगर ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं तो हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, एक वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखने जा रहा हूँ, आपको बताऊँगा क्या आपको वास्तव में इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो गाइस कंपनी की वैल्यूनेशन को देखकर कंपनी अंडर वैल्यूड है, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो स्मॉल है जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, बट ग्रोथ के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं। शेयर होल्डिंग काफ़ी सही है, पी रेशो थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, बट सेल ग्रोथ काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है और जो फ्यूचर प्रेडिक्शन है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और भी टॉप शेयर होल्डर्स के अंदर भी काफ़ी जाने माने नाम आ रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर, इन सभी रेसोर्स को ध्यान में रखकर मेरे को ये लग रहा है कि इस कंपनी के शेयर डेफिनेटली हमको खरीदने चाहिए। गाइज मैं कोई नहीं होता आपको एडवाइस करने वाला, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ और मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन है, मुझे जितनी नॉलेज है, जितना मैंने ज्ञान इकट्ठा किया है उस ज्ञान के ऊपर आपको मैं राय देता हूँ कि डेफिनेटली आपको इस शेयर के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छा शेयर मुझे लगा ये, डेफिनेटली इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए शेयर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।